हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्यारा किचन टिप्स एंड ट्रिक्स पर। ध्यान रखने योग्य बातें नंबर एक, बच्चे हो या बड़े, रोजाना एक गिलास दूध जरूर पीना चाहिए क्योंकि इससे हड्डियाँ मजबूत होती है और बच्चों की लंबाई बढ़ने में मदद मिलती है। नंबर दो, बार बार उबली चाय पीने से शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, इससे पेट से जुड़ी दिक्कतें होने का खतरा रहता है। खासकर गर्मियों के दौरान अगर आप ऐसी चाय पीते हैं तो पेट में दर्द, एसिडिटी और पाचन से जुड़ी दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर तीन, इमली के शरबत का सेवन करने से बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रहता है। यह शरीर को डीऑक्सीडेट कर गंदगी बाहर निकालने का काम करता है। इसका सेवन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ साथ गर्मी में डिहाइड्रेशन की समस्या से छुटकारा दिलाता है। नंबर चार, यदि आपको स्किन से जुड़ी कोई दिक्कत है तो आप इसके लिए सरसों के तेल में कपूर मिलाकर प्रभावित हिस्से पर लगाएं, आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। नंबर पाँच, रोजाना सुबह भीगे हुए 4 बादाम, 10 ग्राम मूंगफली, 2 केले और गुड़ सभी को दूध में शेक बनाकर नाश्ते में ले, इससे किसी प्रोटीन पाउडर के डिब्बे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर छः, डार्क सर्कल और आंखों के नीचे सूजन रहती है तो फिटकरी से मसाज कर सकते हैं, फिटकरी के पाउडर में गुलाब जल भी मिला सकते हैं। नंबर सात, गले की खराश से छुटकारा पाने के लिए आप गुनगुने पानी में सेंधा नमक मिलाकर पी सकते हैं, इससे गले की खराश से जल्दी राहत मिलेगी। नंबर आठ, खीर को रबड़ी बनाकर उसका बाउल में रखकर ऊपर से फूला हुआ गोंद कतीरा फैला दे, फ्रिज में ढक कर के खुद खाए और मेहमानों को भी दे, खाने वाले तारीफ करते रहेंगे, नहीं थकेंगे और शरीर को एनर्जी भी मिलेगी। नंबर नौ, पाचन की समस्या से राहत के लिए आप अजवाइन, हींग और काले नमक के 3 ग्राम मिक्सचर को लें, इससे पाचन तंत्र को मजबूती देने में मदद मिलती है, इससे पेट दर्द में भी आराम मिलता है। नंबर दस, चेहरे पर पिंपल है तो नीम के रस में चुटकी भर हल्दी ले और मिला ले, फिर इसे पिंपल पर लगाए और थोड़ी देर बाद चेहरे को साफ कर ले। नंबर 11, यदि आपका बुखार नहीं जा रहा है तो हींग को पानी में मिक्स करके माथे पर लेप लगाने से बुखार में फ़ायदा होता है। नंबर 12, रिफाइंड तेल के बजाय केवल तिल, मूंगफली, सरसों और नारियल का प्रयोग करें। रिफाइंड में बहुत केमिकल होते हैं जो शरीर की कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। नंबर 13, लो ब्लड प्रेशर की समस्या से परेशान लोग इससे राहत के लिए हींग, काले नमक और अजवाइन के 4 ग्राम मिक्सचर को गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम ले सकते हैं। ध्यान रहे, हाई ब्लड प्रेशर में इसका सेवन ध्यान से करें और डॉक्टर से सलाह लें। नंबर 14, जिन लोगों को हड्डियाँ या फिर दांतों से जुड़ी कोई समस्या है तो वह चाय ना पिए। एक्सपर्ट की माने तो ज़्यादा कड़क चाय से एनीमिया की समस्या हो सकती है। नंबर 15, इमली का सेवन शरीर के पीएच लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है, रिंकल्स और फाइन लाइन से छुटकारा दिलाता है। नंबर 16, मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होंठ भी गुलाबी होने लगते हैं। नंबर 17, मुंह की बदबू से परेशान हो तो दालचीनी का टुकड़ा मुंह में रखे, मुंह की बदबू तुरंत दूर हो जाती है। नंबर 18, एक छोटी प्याज का रस और एक बड़ी इलायची को तवे पर भूनकर उसके दाने सुबह खाली पेट खा ले, सांस की बीमारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 19, कई लोगों को मुंह से बदबू आने की समस्या होती है, ऐसा किसी बीमारी या ठीक से मुंह की सफाई न करने के कारण होती है। ऐसे लोग दूसरों के बात करने में झिझकते हैं, इसलिए मुंह की बदबू से छुटकारा पाना बेहद ज़रूरी होता है। मुंह की बदबू को ख़त्म करने के लिए दालचीनी का टुकड़ा अपने मुंह में रखें, मुंह की बदबू तुरंत दूर हो जाएगी। नंबर 20, दही शहद का फेस मास्क भी टैनिंग हटाने में मदद करता है, शहद में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो पिंपल, टैनिंग जाइयाँ को कम करने में मदद करता है। नंबर 21, अगर आप काले होठों की समस्या से परेशान हो तो बाज़ार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स की जगह घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करें। जी हाँ, मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोजाना लगाने से काले होंठ भी गुलाबी होने लगते हैं। नंबर 22, नीम अपने औषधि गुणों के लिए मशहूर है, नीम की पत्तियों का सेवन से आप कई तरह की समस्याओं से राहत पा सकते हैं। अगर आप मतली और उल्टी आने जैसी महसूस कर रहे हैं तो नीम की पत्तियां चबा सकते हैं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही नीम की पत्तियों की मदद से आप शरीर की सूजन को भी कम कर सकते हैं। नंबर 23, कच्चे लहसुन का स्वाद इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारे फेफड़ों में सूजन, संक्रमण या घाव नहीं बनने देता। नंबर 24, जो औरतें ज़्यादा टेंशन लेती हैं उनका खून गाढ़ा हो जाता है और उनके खून के थक्के बनने लग जाते हैं, यही कारण है हार्ट अटैक का खतरा रहता है। नंबर 25, तेज़ी से गिर रहे हैं बाल
तो किन बातों का रखें ख्याल? अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो डाइट पर ध्यान दें। रोजाना एक छोटी कटोरी स्प्राउट्स खाएं। स्प्राउट्स में ओमेगा एसिड होता है जो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर 26, दही चेहरे के लिए एक अच्छा और प्राकृतिक उपाय है। इसमें प्रोटीन और विटामिन पाए जाते हैं जो त्वचा के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। दही को नियमित लगाने से त्वचा में चमक बनी रहती है। नंबर 27, खून साफ न होने की वजह से समय समय पर फोड़े हो जाते हैं। ऐसे में नीम के पत्तों को पीसकर प्रभावित जगह पर लगाने से फ़ायदा होगा। साथ ही इसके पानी से चेहरा साफ करने पर मुहासे भी नहीं निकलेंगे। नंबर 28, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा जवान रहें और आपकी उम्र भी कम लगे तो इसके लिए हल्दी को पानी के साथ सेवन करें, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले तत्व भी फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करता है, इसलिए इसका सेवन नियमित रूप से करें। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ही इन नियमों को अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।